हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 29 फरवरी को आप 70 में 70 नंबर लेकर आने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों को 100% ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला, 824D के पेपर। बस कोड याद कर लो, इसका पूरा सोल्यूशन याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों। फुल सोल्यूशन आज की वीडियो में देने वाला हूँ, बस मात्र इस पेपर की वजह से आप 70 में 70 नंबर लेकर आने वाले, मेरी गारंटी है। ठीक है, इस बार टॉप नहीं करा दिया पूरे कॉलेज आप लोगों को तो कहिएगा। 95 नंबर हर एक सब्जेक्ट में लेकर आओगे, 95% आप लोगों का बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूं मेरे प्यार बच्चों। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये पेपर कितने नंबर का है मेरे प्यार बच्चों? 70 नंबर का यह पेपर पूछा जाएगा, और इसको हल करने के लिए आपके पास समय मात्र 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। सामान्य निर्देश कुछ दिया गया जो मैं पढ़ के आपको सुनाने वाला हूँ। बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बोला है कि प्रश्न पत्र दो खंडों में है, खंड अ में दूसरा खंड में विभाजित है, मतलब दो खंड में, एक खंड अ दूसरा खंड ब। खंड अ में आपको सबको मालूम है, देखो बोला है कि खंड अ तथा खंड ब तीन उपखंडों क ख ग, इसलिए क्योंकि क फिजिक्स, ख केमिस्ट्री और ग बायोलॉजी, क्योंकि आपको मालूम है कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाता है, तो तीन उपखंड दिया है, कह रहा है उसमें विभाजित है। इसके बाद प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके आपको ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से क्या होगा, भरना होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जो आएगा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का, उसके लिए आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा, उसी में रंगना होगा आप लोगों को। इसके बाद बोला कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, मतलब एक बहुविकल्पीय प्रश्न एक नंबर का, इसलिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर का। बोला है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना होगा। करा है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया है कि दो नंबर का है, कि एक नंबर का है, कि चार नंबर का है, कि छह नंबर का है, एकदम स्पष्ट लिखा गया है। बोला है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठों से प्रारंभ किया जाए। जैसे आपने उपखंड क कर लिया, आप उपखंड ख करने वाले हो, तो नए पृष्ठ से उपखंड ख स्टार्ट करना, नए पृष्ठ से उपखंड ग स्टार्ट करना। ठीक है, ये कह रहा है। और देखिए बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, जितना प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पेपर स्टार्ट यहाँ से होता है आप लोगों का, खंड अ इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसमें भी आपका उपखंड क, उपखंड क मतलब फिजिक्स के पहले क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पीय के। देखो एक एक नंबर के हिसाब से 20 क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाएगा मेरे प्यारों से। देखो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे बोल रखा है, पहला प्रश्न बोला मेरे प्यारों से कि एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता जो है -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पूछा है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे देखो कैसे लगाएंगे। फार्मूला कहता है कि P = 1/f मीटर। ठीक है, ये जो एफ होता है वो किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। ये फार्मूला कहता है कि P = 1/f। ठीक है, और देखो पी आपको दिया है -2.5 दिया हुआ है, बराबर 1/ कितना जाएगा एफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ f की बात करूं, f निकालूं तो आ जाएगा 1/-2.5। ठीक है, अगर मैं यहाँ से दशमलव के हटा दूं तो ऊपर हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 5 से कटाऊंगा तो 5 × 2 = 10 और 5×5 = 25, तो f बराबर मेरे प्यारे बच्चे 2/-5 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों f बराबर 0.4 मीटर आ जाएगा, लेकिन किसमें रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में, किसमें रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, माइनस में, दिया है मीटर में। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको दिखेगा सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तब इसको आप 0.4 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो एफ बराबर आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। माइनस किसको दर्शाता है, तो माइनस जो मेरे प्यारे बच्चों वो दर्शाता है कि आपका जो लेंस है वो अवतल लेंस है, क्योंकि माइनस रहेगा तो अवतल लेंस दर्शाएगा, और 40 सेंटीमीटर मतलब पहला वाला ऑप्शन, समझ में आ गया, वही प्लस में रहता तो उत्तल लेंस हो जाता। तो पहला समझ में आ गया ना क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से। चलो दूसरा प्रश्न देखो, इनमें से किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र जो होता है अधिकतम होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है सबसे अधिकतम होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही तीसरा प्रश्न बात करेंगे तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ मेरे प्यारे बच्चों विद्युत रोधी कहलाता है, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न बात करें तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की अगर फोकस दूरी माइनस
25 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। मेरे प्यारों जो दोनों अवतल होंगे, दोनों ही अवतल होंगे। दर्पण अगर आपका अवतल है तभी माइनस होगा, उत्तल आपका अरे लेंस अगर अवतल है तभी माइनस में होगा। तो दोनों की फोकस दूरी अगर माइनस में दे दिया है समझ लो कि दोनों अवतल ही होंगे, ठीक है। मतलब दर्पण भी अवतल होगा, लेंस भी अवतल होगा, दोनों की फोकस दूरी माइनस में होती है। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ मेरे प्यारे बच्चों मुलायम लोहा होता है। क्या होता है? मुलायम लोहा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वह है विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ये बात आपको भी मालूम है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। तो एक व्यक्ति अगर दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में अगर असमर्थ है तो उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष होगा मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो उपखंड ख आ गया। उपखंड ख का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें आपके केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। अब प्रश्न नंबर आठवां से स्टार्ट होगा। क्या है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना उदाहरण है। अगर कार्बन को अगर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यह रिएक्शन किसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया का है। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलो नाइन प्रश्न देखो। कोई विलयन लाल लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः होगा। मेरे प्यारे बच्चों कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, ठीक है। तो मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया था अनिल वाला। अनिल मैंने बताया था कि अम्ल जो होता है, ध्यान समझना, अम्ल जो होता है वो नीले को लाल करता है, लेकिन यहाँ पे लाल लिटमस को नीला उल्टा हो रहा है तो अम्ल तो होगा नहीं, क्योंकि अम्ल रहता तो नीले से लाल करता, तो क्या होगा? क्षार। क्योंकि क्षार जो होता है वह क्या करता है कि लाल से क्या कर देता है? नीला उल्टा कर देता है, ठीक है। तो वही तो कह रहा है, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान क्या होगा इसका संभवतः? तो पीएच मान 7 से अधिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 7 से अधिक क्या दिख रहा है? 10। 7 से अधिक 10 है, बात खत्म, क्योंकि वहां पे क्षार होगा, बात खत्म। देखो कितना सिंपल है। दसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगी मेरे प्यारे बच्चों? वो आपको पोटेशियम के। अगर इसको मैं जल के साथ अभिक्रिया करा दूं ठंडे जल के साथ तो वो क्या देगी? हाइड्रोजन गैस देगी। आगे बात करते हैं ग्यारहवां प्रश्न। एल्कनों का रासायनिक सूत्र है। एल्कनों का रासायनिक सूत्र CnS2n+2 होता है, CnS2n+2 होता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही बारहवां प्रश्न, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सी विलयन लाल हो जाता है? मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सी विलयन लाल हो जाता है? वो आपका H2SO4 है, जलीय विलयन, H2SO4 का जलीय विलयन। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तेरहवां, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात करेंगे उपखंड ग। उपखंड ग में 14वां प्रश्न, क्योंकि अब यहां से बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, बायोलॉजी के। इसमें क्या है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, जनन, उत्सर्जन, पाचन की परिसंचरण, उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, बी वाला ऑप्शन। पंद्रहवा है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है मेरे प्यारे बच्चों अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय से। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोलहवा है, प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन के क्या बने होते हैं? तो प्रायंस। क्या बने होते हैं? प्रायंस बने होते हैं, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्रहवा है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? देखो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? वो अंडाशय होता है, अंडाशय जो होता है वह फल में बदल जाता है। अठारहवा है, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो वह होता है वर्तिकाग्र। क्या नहीं पाया जाता? वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है। डी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्तिकाग्र। उन्नीसवां प्रश्न देखो, मटर के लंबे पौधों कैपिटल टीटी और बौने पौधे स्मॉल टीटी के मध्य अगर क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे, तो प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे सभी लंबे पौधे, मिलेंगे सभी लंबे पौधे,
ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो 20वां प्रश्न देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप मतलब पौधे में जाइलम, जाइलम क्या करता है तो जल का वहन करता है। एक मेरे प्यारे बच्चों फ्लोएम पूछता है, क्या पूछता है फ्लोएम, अगर फ्लोएम पूछ दे तो फ्लोएम मतलब फूड, भोजन का संवहन करेगा, भोजन का संवहन, ठीक है। तो पूछता है दोनों प्रश्न कि पादप में जाइलम तो जल का वहन, पादप में फ्लोएम पूछता तो भोजन का वहन हो जाता, ठीक है। समझ में आप लोग आ गया, आप लोगों को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं खंड ब, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न आएंगे 50 नंबर का, इसमें भी पहले आपका उपखंड क आएगा जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। जैसा पहला प्रश्न देखो क्या पूछा है, इसमें पहला प्रश्न दिया है कि उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। चलो इसका आंसर देखते हैं, उत्तल दर्पण बनाना है, उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति भी दर्शाना है। चलो देखो यही इसका आंसर, लिखो उत्तर में, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। देखो वस्तु ए बी के ए बिंदु से दो किरण ए एम जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, देखो ये चित्र को ए बी है, इसमें एक किरण जो है ए बी से बिंदु ए से, देखो बिंदु ए से दो किरण निकल रही है, एक ए एम जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ए एम, इसके बाद तथा ए एन वक्रता केंद्र की दिशा में उत्तल दर्पण से टकराकर क्रमशः एम आर फोकस से आती हुई, देखो यहाँ वक्रता केंद्र यहां से जा रही है और फिर पुनः वापस आ रही है, फिर कह रहा है ए एन वक्रता केंद्र की दिशा से उत्तल दर्पण टकराकर क्रमशः एम आर फोकस से आती हुई तथा एन ए जो कि वक्रता केंद्र से आती हुई दिशा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब पहले आप इसको नोट कर लो, वही चीज बताओ जो इस चित्र फिगर में है, वही चीज को बस मैंने लिख दिया है, बस ये चित्र बना लो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर नीचे थोड़ा लिख देना कि पीछे बढ़ाने पर यह किरण बिंदु ए पर मिलती है, ठीक है, इस प्रकार बिंदु ए का प्रतिबिंब ए होगा और ए डैश से अक्ष मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश डाला है, अतः वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होगा और यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी होगा। मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको बस आप बना लेना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये वस्तु ए बी है और यहाँ इसका बन रहा है प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बन रहा है, देख रहे हो, बस हो गया पूरा, फुल सोल्यूशन, 4 नंबर मिल जाएगा। यहां से नोट करना, पहले इसको नोट करना है, चित्र बनाना है, फिर नीचे नोट कर लेना, हो गया भैया 4 नंबर क्लियर आप लोगों का। चलो दूसरा प्रश्न देखो क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। चलो देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है, किरण आरेख द्वारा बनाना है, 4 नंबर मिलेगा। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालना दूर दृष्टि दोष, जिसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम लोग कि इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता, इस दोष के कारण निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनाता है, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्यतः निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। दूर दृष्टि दोष के कारण दो कारण होते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निवारण के लिए इस दोष का निवारण उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस से हो सकता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे और यह चित्र बना लेना, ठीक है। ये आंखों में दूर है तो देखो दूर बन रहा है, मतलब आंखों में दृष्टि दोष है तो देखो दूर बन रहा है, फिर यहाँ पे लेंस लगा दिया है उत्तल लेंस, फिर देखो बिल्कुल सही बन रहा है, क्लियर हो गया, दोनों चित्र आप नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा है कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से अगर जुड़ा है तो गणना करना है, पहला कि हीटर में प्रवाहित धारा बताइए, दूसरा हीटर के तार का प्रतिरोध और तीसरा 10 घंटे में व्यतीत ऊर्जा बताइए, ठीक है। ये प्रश्न 4 नंबर का है, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि विद्युत शक्ति क्या है, ठीक है, तो विद्युत शक्ति चलो नोट करो, लिखोगे कि विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जो होता है वाट होता है, ये तो विद्युत शक्ति रहा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें प्रश्न भी दिया है, 3 प्रश्न देखिए हमें सॉल्व करने हैं, चलो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक पेज ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, देखो क्या बोला है उसमें मेरे प्यारे बच्चों, बोला है कि 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा हुआ है,
ठीक है। देखो हीटर का शक्ति हमको दिया है पी, पावर कितना दिया है पी बराबर हमको 200 वाट दिया है, 200 वाट हमको पी का वैल्यू दिया हुआ है। इसके बाद बोला है कि 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा हुआ है, मतलब विभवांतर, वी बराबर विभवांतर कितना दिया है 250 वाट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या है बोला है कि गणना कीजिए। पहला क्या गणना करना है, हीटर में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला हमको हीटर में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, तो P बराबर फार्मूला होता है वी आई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं I निकालूं तो I बराबर क्या हो जाएगा P बटे के V, तो I में निकालूं तो P का वैल्यू कितना है 200 वाट और विभवांतर कितना है 250 वाट। ठीक है, जब लोग 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20 और 5 कटाएंगे तो 5 पचे 25, जब भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। धारा निकाल रहे हो तो एम्पियर होगा मात्र, तो धारा कितनी बार है 0.8 एम्पियर, बस बात खत्म। दूसरा देखो क्या है, हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है। हीटर के तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर का वैल्यू, तो आर बराबर फार्मूला होता है वी अपान के आई। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी का वैल्यू कितना है 250, आई निकला है 0.8, 10 हटाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2500, नीचे हो जाएगा आपका 8। ठीक है, जब हम इसको कटाएंगे मेरे प्यार बच्चों तो ये आपका जाएगा 312.25, मतलब 312.5 जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी इतना है कैलोरी, इतना है कैलोरी लिख देंगे, बात खत्म। अब देखो तीसरा क्या बोला था हमको, तीसरा बोला था 10 घंटे में व्यतीत ऊर्जा बताएगी, 10 घंटे में व्यतीत ऊर्जा, तो 10 घंटे में हीटर द्वारा व्यतीत ऊर्जा पूछ रहा है ना। तो मेरे प्यार बच्चों देखो यहाँ पे हमको दूसरा हम लोग क्या लिखा था कि हीटर के तार का प्रतिरोध कितना कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है, 312.5 किलो कैलोरी, इसको किलोवाट में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 0.2 किलोवाट घंटा। कितना घंटा डेली जलता है 10 घंटा डेली जलता है, तो 10 आवर्स का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 किलोवाट घंटा। ठीक है, ये तीसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा तीनों हमने सॉल्व कर दिया और यहां से आपको 4 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यार बच्चों। चलो आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है कि ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर 1 ओम को परिभाषित कीजिए, और ये प्रश्न कितने नंबर का, 6 नंबर का। पहली बात सिर्फ ओम का नियम लिखना है और ओम के नियम पे ही 1 ओम का परिभाषा भी हमको देना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों चौथा ओम का नियम, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो वी देखो यहाँ पे समानुपाती होता है आई के, अगर मैं समानुपाती को हटा देता हूं तो एक नियतांक जुड़ जाएगा वी बराबर आई आर, जो कि यही ओम का नियम कहलाता है। आर एक नियतांक है जिसके तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब बोला है कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए, 1 ओम बराबर क्या होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। इसका मतलब होता है कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर अगर 1 वोल्ट है तथा इसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध आर जो होता है वो 1 ओम होता है। बस हो गया, 6 नंबर मिल गया। चलो अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके प्रश्न और दिया था कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए तथा उसका सचित्र वर्णन कीजिए, किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर बहुत बड़ा प्रश्न है। पहली बात तो सचित्र वर्णन करो, जितना भाग है उसका डिटेल में लिखो, फिर मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है वो भी किरण आरेख बताओ। लेकिन कोई नहीं, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखो अथवा करके है ना, सबसे पहले नहीं डालोगे मानव नेत्र, मानव नेत्र नहीं डालने वाले, लिखोगे कि नेत्र मनुष्य को प्रकृति द्वारा बहुमूल्य देन है, इसके द्वारा ही हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं जिनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। फिर है अगली हेडिंग कि मानव नेत्र की संरचना, अभी मैं संरचना भी दिखाऊंगा आप लोगों को। लिखेंगे नेत्र एक गोला होता है जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। गोले का सामने वाला भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश इसी से होकर गुजरता है। उभरे हुए भाग के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। इस पर्दे के बीच में एक छिद्र होता है तथा इसके ठीक पीछे नेत्र लेंस स्थित होता है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। यह अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है एवं इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। मानव नेत्र में विभिन्न भाग निम्नलिखित प्रकार से, देखो ये मानव नेत्र है,
इससे सिंपल आप ड्रॉविंग नहीं देखे होंगे। ये आपका दृष्टि पटल है, ये आपका नेत्र लेंस है, ये आपका इसमें कचाप द्रव भरा हुआ है, ये आपका रेटिना है, कार्निया यहाँ पे दर्शाया गया, ये कार्निया है, पुतली, ये वाला भाग आपका पुतली है, ये वाला भाग आपका आयरिस है, बस इतना ही सिंपल बनाना है। इसके बाद सबका डिफाइन कर देना नाम। जैसे दृढ़ पटल क्या होता है, नेत्र का गोला बाहर की तरफ से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका हुआ रहता है, इस परत को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। सिंपल, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली स्थित होती है, इस झिल्ली को कोराइड झिल्ली कहते हैं, और यह झिल्ली प्रकाश को शोषित करके उसके आंतरिक परावर्तन को क्या करती है, रोकती है। बस अगले हेडिंग कार्निया, नेत्र गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, इस उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं, नेत्र में प्रकाश की किरण इसी कार्निया से होकर प्रवेश करती है। इसके बाद अगली हेडिंग है आयरिस। आयरिस में लिखोगे कि कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा स्थित होता है, इस पर्दे को आयरिस कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है, आयरिस मैंने दिखाया हूँ चित्र में। फिर है पुतली अथवा नेत्र तारा, ये हेडिंग है पुतली अथवा नेत्र तारा, उसमें लिखो आयरिस के बीच में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है और इस छिद्र को पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली के द्वारा ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण किया जाता है, अर्थात जब आंख पर अधिक प्रकाश पड़ता है तब पुतली का आकार अपने आप ही छोटा हो जाता है तथा अंधेरे में जाने पर इसका अपने आप भी बड़ा हो जाता है। इसके बाद है नेत्र लेंस। लिखेंगे नेत्र लेंस एक महत्वपूर्ण भाग है, एक आयरिस के ठीक पीछे होता है, यह कई परतों से मिलकर बना होता है जिनके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। लेंस में अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, यह अपने स्थान पर मांसपेशियों द्वारा रुका रहता है। जब किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर पड़ती है तो नेत्र लेंस उसको परिवर्तित करके उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। अब अगला है कचाप द्रव, जो आपने बताया कचाप द्रव आंखों में भरा होता है। लिखेंगे कार्निया नेत्र लेंस के बीच के स्थान में एक इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336 होता है। अब आएगा अगला भाग रेटिना। देखो रेटिना क्या है कि कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है और इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। रेटिना की बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। इसके बाद अगली हेडिंग है नेत्र की समंजन क्षमता। लिखेंगे कि जब नेत्र किसी दूर स्थित वस्तुओं को देखती है तब नेत्र की मांसपेशियां फैल जाती है तथा लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिसके नेत्र की फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तथा इसके विपरीत जब नेत्र किसी नजदीक की वस्तु को देखती है तब नेत्र की मांसपेशियों सिकुड़ जाती है तथा लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या घट जाती है, जिसके फलस्वरूप लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लिखेंगे तो नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को ही हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और एक स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद उसमें बोला था ना कि मानव नेत्र से प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना, लिखेंगे नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कार्निया पर गिरती हैं तथा अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर यह क्रमशः जलीय द्रव में, लेंस व कचाप द्रव में से होती हुई रेटिना पर गिरती है, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। और लो यह चित्र है, देखो यह वस्तु है, यहाँ से प्रवेश कर रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे लेंस होते हुए जा रहा है, यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब उसका बना रहा है, यहाँ पे दृढ़ पटल है, ये लेंस है, यह तारा है, यह कार्निया है, नेत्र गोलक है, यह वस्तु रखी हुई, मतलब पूरा हमने स्पष्ट दृश्य दिखा दिया। चलो ये भी प्रश्न कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा उपखंड ख। उपखंड ख में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 4 नंबर और 6 नंबर के। चलो केमिस्ट्री देखते हैं, स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 5वां से। क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, 4 नंबर का है। पहला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट जल बनाता है, या अथवा करके वही दिया है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है कि चूने के पानी को ही तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो मतलब तो दोनों प्रश्न एक ही है, या इस तरह बोल देगा या तो रिएक्शन दे देगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना। देखो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है, जल बनता है H2O।
बस संतुलित भी है, नोट कर लो। इसके बाद दूसरा यहाँ पे है कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, फिर जिंक नाइट्रेट और यहाँ पे सिल्वर बनाते हैं, पूरा संतुलित है, आपको बस नोट करना है रिएक्शनों को। चार नंबर मिल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न पर टिप्पणी दीजिए। चार प्रश्न है चार नंबर का, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला है कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा खाने सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे देखो, जब सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यहाँ पे उसका हमने रिएक्शन लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यह छठवें का ए का सोल्यूशन पूरा है, नोट कर लो, इतना बेहतरीन आपको कोई बताएगा नहीं लिखकर। इसके बाद दूसरा है कि क्या होता है जब अमोनिया क्लोराइड को गर्म करते हैं। देखो अमोनिया क्लोराइड को गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विक्षेपित हो जाता है, ये उसका रिएक्शन में लिखा हूं, ठीक है उसको नोट कर लो। चलो तीसरा देखो, विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, या बोल देगा कि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस बनाएंगे कैसे, उसका रिएक्शन लिखो। देखो तो क्लोरीन गैस निकलता है, CaOCl2H2SO4 मिलके बनाते हैं CaSO4 और H2 और क्लोरीन गैस बनाते हैं। लो भाई पूरा रिएक्शन में लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों छठवां है कि सोडियम, छठवां कर रहा हूँ चौथा, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो ठीक है। चलो सोडियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, रिएक्शन उतार लो। देखो सोडियम को जो जल में घोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, रिएक्शन पूरा संतुलित किया हुआ रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। इसके बाद सातवां प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC पद्धति का नाम लिखो। देखो ये मेरे प्यार बच्चों क्या है, यह इस तरह है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2, कितना है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2OH ऐसे है। अब इसका हमें IUPAC नाम बताना है, ठीक है। इसके बाद देखो ये है आपका एसिटाल्डिहाइड, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, CH3CHO इस तरह है। ये आपका क्या है, HC बराबर CH एसिटिलीन है, ये आपका है C2H5OH है, ठीक है। तो पहले फिलहाल चार यहाँ पे, इधर क्या है चार, दो पीछे है, तो पहले चार का सोल्यूशन देख लो। ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा। पहला वाला आपको हेक्सेनॉल कहलाएगा, दूसरा एथेनॉल कहलाएगा, तीसरा एथाइन कहलाएगा, चौथा एथेनॉल कहलाएगा, ठीक है। नोट कर लो, IUPAC नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद चार हो गया ना, चार के बाद मेरे प्यारे बच्चों इधर भी दिया हुआ है, चार के बाद देखो पांचवा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड सी फिर ट्रिपल बॉन्ड सी फिर सिंगल बॉन्ड CH3, और नीचे वाला क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH फिर सिंगल बॉन्ड CH3, यह है। अब देखो पांचवा और छठवां, पांचवा को हम लोग ब्यूटेन 2 कहेंगे और छठवें को प्रोपेनॉल 2 कहेंगे, यही छह आएगा, छह को छह तैयार कर लो, छह नंबर आपको मिल जाएगा, ये IUPAC नाम बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो आगे बात कर ले, अगर ये नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको दिया हुआ है एक और ऑप्शन कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। देखो पहला वाला क्या है, मरकरी ऑक्साइड, अगर उसमें ऊष्मा दे रहे हैं तो मरकरी बन रहा है और यहाँ पे क्या भरा जाएगा। दूसरा अभी मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद है आयरन फिर कॉपर सल्फेट मिलकर यहाँ पे क्या बनाएंगे, और यहाँ पे कॉपर बना रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ऊष्मा से अपघटन करा रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है, जिंक कार्बोनेट, और यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड मिलकर यहाँ पे क्या बनाएगा, और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। मतलब कितने प्रश्न है, छह, और छह का मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ नोट कर लो, उसके सामने जाकर नोट कर लेना। पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, उसके जब सामने नोट करोगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, मैं आंसर आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे वो छह सिंगल था, छह मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, जाके बाकायदे खूब बढ़िया से भर लेना, इसको पूरा संतुलित बताया हूँ, ठीक है, संतुलित किया हुआ है, बस आपको नोट्स बनाना है इसका। चलो ये भी प्रश्न हो गया, आगे देखते हैं। अगला है उपखंड ग, उपखंड ग बायोलॉजी के प्रश्न रहेंगे। आठवां प्रश्न देखो क्या है कि मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइमों के कार्यों का वर्णन कीजिए। चलो देखते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम, चलो नोट करो। आठवां क्या है, पाचक रस भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचक रस निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पहला है कि लार भोजन को निगलने में सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट्स को
पचाने में भी भाग लेती है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में क्या कर देता है, बदल देता है। इसके बाद दूसरा है जठर रस, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है तथा जठर रस में एससीएल पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। एससीएल भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। पेप्सिन प्रोटीन व कार्यशील है और प्रोटीन को पेप्टोन तथा पेप्टाइड में बदल देता है। इसके बाद तीसरा है कि पीत रस तथा अग्नाशयी रस ग्रहणी में अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस तथा यकृत से निकलने वाला पीत रस आकर मिलते हैं। पीत रस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय में बदलकर क्षारीय बनाता है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले सभी एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। पहला ट्रिप्सिन, यह भोजन के प्रोटीन पेप्टोन आदि प्रक्रिया करता है। यह अग्नाशयी रस में ट्रिप्टोनाइजोन के रूप में होता है तथा क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। और दूसरा है लाइपेज, लाइपेज क्या करता है कि यह भोजन के वसा प्रक्रिया करके उसे वसीय अम्लीय एवं ग्लिसराल में बदल देता है। इसके बाद आता है एमाइलाइप्सिन या एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट प्रक्रिया करके उन्हें माल्टोज एवं अन्य शर्कराओं में क्या कर देता है, बदल देता है। इसके बाद है आत्र रस, इसमें उपस्थित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं और आत्र रस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। इसके बाद पहला है सुक्रेज, इसमें सुक्रेज क्या करता है, यह शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। फिर लैक्टेज क्या करता है, यह लैक्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज, यह माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। इरेप्सिन, यह शेष प्रोटीन तथा उसके अवयव को अमीनो अम्ल में बदल देता है। बस लो भाई, पूरा का पूरा आंसर डिटेल में आपको बता दिया। 9 प्रश्न है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण समझाइए। कायिक जनन, चलो देखते हैं भाई, देखो यहां से स्टार्ट होगा। पौधे के किसी भी कायिक भाग में नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है, जैसे गन्ना हुआ, गुलाब आदि। बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन अलैंगिक जनन विधि द्वारा ही होता है। इसके अंतर्गत पौधे के किसी कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिकाओं द्वारा नए पौधे तैयार हो जाता है। पौधे में कायिक जनन की दो प्रमुख विधियां कलम लगाना व दाब लगाना होती है। पहला लिखो कलम लगाना, देखते हैं, जिसे लोग कटिंग विधि कहते हैं। इस विधि में तने के कलियां छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं और इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। इनके निचले सिरों को उचित स्थान पर भूमि दबा देते हैं। इनसे कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल आती हैं और उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। गुलाब, कैक्टस, अनानास, गुड़हल आदि में हम कलम से ही पौधे उगाते हैं। गन्ने में कलम को भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्थाओं में दबा देते हैं। इसके बाद दूसरा है दाब लगाना। कुछ पौधे में हम पौधे की किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इसके जड़ें निकल आती हैं और उसके बाद नई पौधे बन जाती हैं। नई पौधे इसके पैतृक पौधे से काटकर अलग कर देते हैं और यह वृद्धि करके पूर्ण पौधा बन जाता है, जैसे बेला, चमेली, कनेर आदि में यह विधि जो है अपनाई जाती है। चलो कायिक जनन में लाभ भी पूछा था ना, तो कायिक जनन से लाभ नोट कर लो। लिखो, जिन पौधे में बीज नहीं बनते जैसे केला, अंगूर, अनानास, इनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। दूसरा है नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा, नए पौधे मात्र पौधों के समान होते हैं, इनमें विभिन्नताएं नहीं होती। और चौथा है कि पौधे के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। चलिए, ये 9 प्रश्न था। 10वां प्रश्न देखो क्या है, स्व परागण और पर परागण में अंतर बताइए, एक एक उदाहरण भी दीजिए, 4 नंबर का है। चलो देखते हैं स्व परागण और पर परागण में। पहले मिनट डालेंगे स्व परागण, इसमें लिखेंगे पहला, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। इसमें पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं, नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। तीसरा है कि पुंकेसर व स्त्रीकेसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। और चौथा है कि पुष्प प्रायः अनेकार्षक, छोटे, सुगंध रहित तथा मकरंद स्थित होते हैं, मतलब मकरंद रहित होते हैं। और पांचवा है कि कुछ पौधे के पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं है, उदाहरण में जैसे मटर हुआ। अब हम डालेंगे पर परागण। पर परागण में पहला पॉइंट लिखेंगे कि पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं, नर मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। दूसरा लिखेंगे कि अधिकतर अवस्थाओं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। तीसरा है कि अनेक बार पुंकेसर और जायांग भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी प्रकार के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच सकते।
चौथा है कि वायु परागित पुष्पों को छोड़कर पुष्प प्राय गंध युक्त आकर्षक बड़े अथवा छोटे छोटे समूह में व्यवस्थित होते हैं। और पांचवा है उदाहरण में जैसे आप गुलाब ले लो। ठीक है, 10 प्रश्न मैंने बता दिया। 11वां प्रश्न देखो क्या है। 11वां है कि मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन करना है, और ये प्रश्न 6 नंबर का है। चलो कोई नहीं, पूरा मैं सोल्यूशन बताऊंगा। लिंग सूत्र हेडिंग डालो, लिखो उत्तर में कि मनुष्य के सभी कायिक तथा जनन कोशिकाएं में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्रों के 22 संजात जोड़े होते हैं, जिन्हें हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। शेष एक जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुष तथा स्त्री में यह गुणसूत्रों का जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है। पुरुष में इस जोड़े जो कि 23 जोड़े होते हैं के गुणों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिनमें एक छोटा तथा दूसरा क्या होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार ए हेट्रोसोम्स हैं, इनमें से बड़ा एक्स तथा छोटा जो होता है वाई गुणसूत्र कहलाता है। स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र भी समजात एक्स प्रकार के होते हैं। इस प्रकार जैसे पहला है पुरुष की जनन कोशिकाओं में 22 जोड़ा और एक्स वाई मिला के कितना है, टोटल 46 गुणसूत्र तथा स्त्री के जनन कोशिकाओं में 22 जोड़ा और पुरुष के जो एक्सेस गुणसूत्र होते हैं टोटल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्थात मनुष्य में लड़के तथा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो ये चित्र बना लो। देखो एक्स एक्स गुणसूत्र है, ये एक्स वाई गुणसूत्र है, यहाँ पे युग्मक जुड़ के बन रहा है। अगर एक्स एक्स मिल गया तो समझो संतति में स्त्री पुरुष प्राप्त होगी, और एक्स वाई गुणसूत्र मिल गया तो पुरुष प्राप्त होगा। ठीक है, देखो ये पुरुष है, ये आपका स्थिति है, चित्र भी बना लेना। तो पुरुष स्त्री दोनों का चित्र देखो ना डिटेल में, मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसके नीचे फिर लिखना है कि लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं कैसे। पहला, महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, एक्स और एक्स मिलके एक्स एक्स, लेकिन पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, दोनों मिला के एक्स वाई होते हैं। इसके बाद एक पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र रखते हैं। चौथा है कि महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है, जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। और पांचवा कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक्स एक्स युग्मज लड़की में विकसित होता है। और यह है कि छठवां कि जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो उसमें एक्स वाई युग्मज लड़के को मतलब लड़के में क्या होता है, विकसित हो जाता है। इसके बाद देखो अगर 11वां प्रश्न नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक प्रश्न दिया कि मानव में नर जनन तंत्र का एक नमाकीय चित्र बनाइए। मानव के नर जनन तंत्र का नमाकीय चित्र, सिर्फ चित्र बनाना है, सचित्र वर्णन नहीं करना, सिर्फ चित्र बनाने को 6 नंबर मिलेगा। चलो देखो यही है, ठीक है, अथवा वाला आंसर। ये बहुत सिंपल मैंने चित्र लिया है, ये मूत्राशय हो गया, यहाँ पे ब्लेडर जिसे बोलते हैं, ये मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया मूत्र मार्ग, या आपका वृषण हो गया, और ये वाला भाग जो है आपका शुक्रवाहिका, और ये मूत्र नलिका, बस इतना ही भाग आप दर्शा देना। बहुत सिंपल है, आपको पूरा का पूरा 6 में 6 नंबर आपको दे दिया जाएगा।